सो ही नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी इंडियन में। अब वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ज्ञान मतलब बताते रहते हैं कि यूट्यूब पे कैसे करूँ। अगर आप लोग सर्च करोगे हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब तो आप लोग को हर भर की वीडियो मिलेगी, मतलब आप लोग की ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो सारी वीडियोज़ नहीं खत्म होंगी। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोग को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आप लोग को फॉलो करना है, और अगर आप लोग इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो आप लोग पक्का यूट्यूब पे ग्रो हो जाओगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें लोग कहते हैं कि वीडियो क्वालिटी मैटर नहीं करती है, आपका कंटेंट मैटर करता है, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी वीडियो क्वालिटी मैटर करती है। अगर आपकी कोई वीडियो देख रहा है, अगर आपकी वीडियो में क्लियरिटी नहीं है तो आपकी वीडियो नहीं देखेगा। आप ही अपनी जगह ऑडियंस को रख के देखो, क्योंकि अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो। अगर ये मेरी वीडियो फटी फटी होती, मेरा चेहरा नहीं दिखाई पड़ता, सही से आवाज़ नहीं आती, तो कौन आप मेरी वीडियो देखता? आप भी अभी ये वीडियो छोड़ के चले जाते। तो ऐसे ही समझो, अगर आप लोग अच्छी वीडियो की क्वालिटी रखोगे तो आपके जो व्यूअर्स रहेंगे वो आपसे ज़्यादा इंगेज कर पाएंगे। तो आप लोग को अपनी वीडियो की क्वालिटी अच्छी रखनी है। तो आप लोग के पास अगर एक अच्छा स्मार्टफोन है तो आप अपने एक अच्छे स्मार्टफोन से वीडियो बनाओ। अगर नहीं है तो कोशिश करो कि आप एक अच्छा स्मार्टफोन ले लो, तब वीडियो बनाओ जिससे क्वालिटी अच्छी रहे। देखो, मैं जो दूसरा टिप देने जा रहा हूँ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, और ये आपकी वीडियो की SEO में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। देखो, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है वो आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि अगर आप लोग एक यूट्यूबर हो तो आप लोग को पता होगा। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ही छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, तो इससे क्या होता है, यूट्यूब डिफाइन नहीं कर पाता है कि वीडियो किस टॉपिक पे है। तो अगर आप लोग का एक नया चैनल है तो आप लोग कोशिश करो कि आप लोग अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो के बारे में ब्रीफली लिखो। बहुत सारे अपने सोशल मीडिया के लिंक दो, अपनी अदर वीडियोस के लिंक दो, तो इससे क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन बड़ा हो जाता है और वो आपके SEO में मदद करता है। अब देखो, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी वीडियो पे व्यूज आने के लिए। जो आपको अपना टाइटलर रखना है वो खूब ज़्यादा कैची रखना है। आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देखो, जो आपके साथ का कंटेंट बनाते हैं उनको देखो, वो कैसा टाइटल रखते हैं। जिनकी वीडियो पे ज़्यादा व्यूज आते हैं उनका टाइटल देखो, और उनसे इंस्पिरेशन लेके आप लोग अपना टाइटल रखो कंटेंट का, जिससे जो आपका टाइटल है वो काफ़ी कैची रहे, जिससे जो व्यूअर्स रहे वो आपके टाइटल को देख के अट्रैक्ट हो। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो भी आपकी वीडियो पे व्यूज लाने में काफ़ी मदद करेगा। देखो, जो आप लोग थंबनेल बनाते हो, टाइटल लिखते हो, उसमें आप लोग क्लिकबेट करो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ आप लोग से क्लिकबेट करने के लिए, लेकिन मैं आप लोग को मिसगाइड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि वीडियो में आपके कुछ और रहे, टाइटल में कुछ और रहे, थंबनेल में कुछ और रहे, ये नहीं करना है आपको। जो आपको थंबनेल टाइटल बनाना है वो क्लिकबेट वाला बनाना है, लेकिन अपने वीडियो से रिलेटेड बनाना है, जिससे कोई अगर आपकी वीडियो देखने के लिए आए तो उसको कुछ थोड़ी बहुत वैल्यू प्रोवाइड हो, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड हो, जिससे वो आपके चैनल पर रुके। नहीं तो अगर आप लोग मिसगाइड करोगे तो आपकी वीडियो को रिपोर्ट करके चला जाएगा और आपके चैनल पर स्ट्राइक आ जाएगी। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है, आप लोग को क्लिकबेट करना है, पर अपने कंटेंट से रिलेटेड क्लिकबेट करना है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वैसे तो मैं सारे पॉइंट्स को बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। देखो, जो आप लोग को लाइटनिंग यूज़ करनी है वो एक अच्छी लाइटनिंग यूज़ करनी है। जैसे अभी मैं रिंग लाइट यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने इस रिंग लाइट का रिव्यू नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाके इस रिंग लाइट का रिव्यू देख सकते हो, परचेज कर सकते हो। अगर आप लोग को रिंग लाइट नहीं परचेस करनी है, कोई भी लाइट नहीं परचेस करनी है, तो आप लोग प्रीफर करो कि आप लोग आउटडोर में शूट करो, सनलाइट में शूट करो, जिससे आप लोग की वीडियो की क्वालिटी अच्छी आए, जिससे व्यूअर्स आपकी वीडियो पे ज़्यादा देर तक रुकें और आपको वॉच टाइम भी मिले। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो भी आपकी वीडियो पे व्यूज लाने में काफ़ी मदद करेगा, आपकी SEO में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप लोग को क्या करना है, गूगल ट्रेंड्स, गूगल कीवर्ड प्लानर जैसे टूल का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, नहीं सुना तो गूगल पे सर्च करोगे तो आप लोग को मिल जाएगा। ऐसे टूल्स को आप लोग को यूज़ करना है सर्च वॉल्यूम अपने कंटेंट का देखने के लिए, कि जो आप कंटेंट बनाने वाले फ्यूचर में उसके सर्चेस कितने ज़्यादा हैं, लोग उसको कितना ज़्यादा सर्च करते हैं। तो अगर उसको लोग ज़्यादा सर्च करते हैं तो आप उस कंटेंट पे वीडियो बना सकते हो, जिससे आप लोग को ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। और साथ ही साथ आप लोग उस पर अपने कंपटीटर्स भी देख सकते हो कि कितने ज़्यादा इसकी कंपटीशन है इस कीवर्ड की। तो इससे आप लोग को क्या होगा कि आप लोग को यूनिक कीवर्ड्स मिलेंगे और आप उस पर वीडियो बना के अपनी चैनल को ग्रो कर सकते हो। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है कि आप लोग को अपनी वीडियो में क्लियर और लाउड बोलना है। अगर आप लोग के पास पैसे हैं या फिर नहीं है तो कहीं से अरेंज करके कोशिश करो कि आप लोग 200-300 रुपए का ही एक माइक खरीद लो, जिससे आप लोग की वीडियो की जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी रहे, जिससे अगर आप लोग की वीडियो को कोई देख रहा है तो उसको जो साउंड है वो क्लियर आए। अगर वो हेडफोन नहीं भी लगाता है तो उसके स्पीकर से साउंड क्लियर है, ऐसा आप लोग को अपनी साउंड की क्लियरिटी रखनी है। अगर आप लोग ईयरफोन भी यूज़ करते हो तो कोशिश करो कि आप लोग एक अच्छी क्वालिटी का ईयरफोन यूज़ करो, ब्रांडेड ईयरफोन यूज़ करो, जिससे जो साउंड उसका माइक हो वो काफ़ी अच्छा हो और साउंड की क्वालिटी क्रिस्प आए। अगर आप लोग के पास अपना ब्रांडेड ईयरफोन है जो फ़ोन के साथ में मिला था, तो कोशिश करो कि आप लोग उसको यूज़ करो। अगर नहीं है तो बोट या फिर ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो ब्रांडेड कंपनीज हैं, उनका आप लोग हेड ईयरफोन ले सकते हो, जिससे जो साउंड की क्वालिटी है वो अच्छी आएगी। नहीं तो मैं तो प्रीफर करूंगा कि आप लोग 100-200 रुपए का एक माइक ले लो, जिससे आप लोग को
साउंड क्वालिटी अच्छी मिले। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप अपने वीडियो के टैग्स लिखो तो कोशिश करो कि आप वही कीवर्ड यूज करो जो आप लोग अपने टाइटल डिस्क्रिप्शन में यूज करो, जिससे आप लोग को SEO में मदद आए, और साथ ही साथ आप लोग अपने वीडियो के कंटेंट के टैग्स को भी यूज करो, ना कि किसी दूसरे का टैग यूज करो। जैसे क्या चल रहा है, कुछ और ट्रेंड में चल रहा है तो आप उसको यूज करने लगो, इससे आपको 10, 20, 50, 100 व्यूज तो मिल जाएंगे लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको व्यूज नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब उसका ट्रेंड खत्म हो जाएगा तो वो लोग उसको सर्च करना भी खत्म कर देंगे और आपकी वीडियो नीचे दबी पड़ी रहेगी। तो कोशिश करो कि आप लोग हमेशा अपने कंटेंट से रिलेटेड टाइटल में जो कीवर्ड है उसको टैग्स में डालो, जिससे आपकी वीडियो लॉन्ग टर्म में भी SEO होती रहे। अब मेरा जो अगला पॉइंट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ज़्यादातर लोग उसमें गलतियाँ करते हैं। क्या करते हैं कि लोग वीडियो बहुत अच्छा बनाते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी रखते हैं, एडिट बहुत अच्छा करते हैं, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी करते हैं, लेकिन जब थंबनेल की बारी आती है तो जल्दी जल्दी कुछ भी टेक्स्ट लिख के बना के छोड़ देते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, हमेशा आपको अपने थंबनेल पे ध्यान देना है। समझ लो कि थंबनेल से ही व्यूज आते हैं, लोग टाइटल कम पढ़ते हैं थंबनेल ज़्यादा देखते हैं, तो आपको अपना थंबनेल इतना ज़्यादा कैची बनाना है कि अगर आपका कंटेंट नहीं भी अच्छा है तब भी व्यूअर आपके थंबनेल पे क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाए। इतना अच्छा थंबनेल आपको बनाना है, हमेशा अपने थंबनेल पे टाइम दो। अब है ये वीडियो का लास्ट पॉइंट, और ये है आपके यूट्यूब का सक्सेस मंत्र। अब इसको आप लोग ध्यान से सुनो, कंसिस्टेंसी इज अ की टू सक्सेस, इसको अपने दिमाग में बैठा लो। अगर आप लोग अपने चैनल पे कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको सक्सेस होने से यूट्यूब पे कोई नहीं रोक सकता। पहले जब मैं नया नया यूट्यूब पे काम करता था तो पहले तो मैं नहीं कंसिस्टेंट था, लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम बीता, एक साल के बाद मैंने फिर से जब वीडियो बनाना शुरू किया तो मैं बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गया। और उसका रिजल्ट अगर अभी भी आप लोग मेरे चैनल पे जाओगे, एक डेढ़ साल पहले जाओगे, तो आप लोग को एक वीडियो मिलेगी जिसपे 1.5 मिलियन व्यूज़ हैं, और जो वो वीडियो थी वही मेरे चैनल को सबसे ज़्यादा बूस्ट दी। तो आप लोग को अपने चैनल पे हमेशा कंसिस्टेंट रहना है, गैप नहीं करना है, रेगुलर वीडियोज़ डालनी है, तभी आप YouTube पे सक्सेस हो पाओगे। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अब मुझे उम्मीद है कि आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करोगे। अगर आप लोग इन सारे पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हो तो मुझे पक्का यकीन है कि आप सारे लोग YouTube पे सक्सेस होगे। तो इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करना, और अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया, आपको कोई और ही पॉइंट पता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, ताकि सारे लोगों को हेल्प मिले जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बगल में बेल वाला आइकन आता है उसको दबा लेना, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसे लगी, अगर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो इस वीडियो को। तो मैं मिलता हूं आपको एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय।